अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू उर्दू TechCrunch। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, सैमसंग ने एस सीरीज का एक न्यू फ़ोन गैलेक्सी S10 लॉन्च कर दिया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि गैलेक्सी S10 में कौन कौन सी फीचर्स हैं और ये मोबाइल फ़ोन जो है सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज़ का अब तक का सबसे पावरफुल फ़ोन क्यों है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, एंड्रॉयड का आपको 9.0 पाई वर्जन जो है वो आपको S10 में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें S10 के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इस मोबाइल फ़ोन में फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 मिल जाएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 जो है वो गोरिल्ला ग्लास 5 से 2 गुना ज़्यादा टफर और ड्यूरेबल है। इसे ख़ास तौर पर प्रीमियम क्वालिटी के फ़ोन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि अगर वो ज़्यादा हाइट से भी घिरे तो नुकसान ना हो। दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास 6 अब तक का सबसे ताकतवर फ्रेम है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो आपको यहाँ पर 6.1 इंच की डायनामिक एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो कि 16 मिलियन कलर्स के साथ मिल जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो सैमसंग गैलेक्सी S10 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर पे काम करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज के बारे में, तो सैमसंग यहाँ पर हमें 2 वेरिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। एक वेरिएंट जो है उसमें हमें 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, और दूसरे वेरिएंट में 8 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। अगर आप इंटरनल स्टोरेज को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, तो ये फ़ोन 512 GB तक के माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है, और आप इस तरह मज़ीद 512 GB तक स्टोरेज को और भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं मेन कैमरे की, तो सैमसंग S10 रियर में हमें 3 कैमरास दे रहा है। जो पहला कैमरा है वो 12 MP का है और वाइड एंगल के साथ है। जो दूसरा कैमरा है वो भी 12 MP का है, लेकिन वो टेलीफोटो ऑप्टिकल जूम के साथ है। और जो तीसरा कैमरा है वो 16 MP का है और अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ है। अगर हम बात करें कैमरे के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन और टच टू फोकस के फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, जो कि सेल्फी कैमरा है, वो आपको मिल जाएगा 10 MP। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कैमरा जो है ये ड्यूअल वीडियो रिकॉर्डर होगा। और दोस्तों, जो सेल्फी कैमरा है इस दफ़ा आपको सैमसंग में थोड़ा अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सेल्फी कैमरा है ये आपको एक पंच होल डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। इससे पहले हॉनर V20 में भी पंच होल कैमरा आया था, ये सेम देखने में वैसा ही है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, तो इस फ़ोन में पहली बार अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आपको अंडर डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। इससे पहले भी काफ़ी सारी सेल फोन कंपनीज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रही हैं, लेकिन सैमसंग ने फर्स्ट टाइम अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट और सिक्योर है। और ये बाकी कंपनीज की तरह ऑप्टिकल स्कैनिंग नहीं करता, बल्कि आपके फिंगरप्रिंट्स को साउंड वेव्स के थ्रू स्कैन करेगा और अनलॉक करेगा। ये काफ़ी फास्ट और बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और ये न्यू टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा दोस्तों, इस सेल फोन में एक और जो अच्छा फीचर देखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पर आपको फास्ट बैटरी चार्जिंग जो कि 15 वाट तक मिलेगी, चाहे वो केबल चार्जिंग हो या वायरलेस चार्जिंग। अमूमन वायरलेस चार्जिंग जो है वो स्लो होती है केबल चार्जिंग के निस्बत। इसके अलावा आपको यहाँ पर पावर बैंक रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी, यानी जो पावर बैंक हैं जो वायरलेस चार्जिंग करते हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन जो है उसको भी सपोर्ट करता है। आप पावर बैंक से भी सैमसंग गैलेक्सी S10 को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इसमें अच्छी बात देखने को आई है वो है कि आप जितनी भी डिवाइसेज जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि गैलेक्सी बर्ड्स, स्मार्ट वॉच वगैरह, आप उनको सैमसंग S10 के ज़रिए चार्ज कर सकते हैं, वो भी 9 वाट तक। और यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए मिल जाएगी USB Type-C केबल चार्जिंग जो कि 3.1 है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं S10 की बैटरी की, तो S10 में आपको
3400 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो S10 में आपको 6 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रिज्म वाइट, प्रिज्म ब्लैक, प्रिज्म ग्रीन, प्रिज्म ब्लू, कैनरी येलो और फ्लेमिंगो पिंक मिल जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं इस फ़ोन की कीमत के बारे में तो ये फ़ोन आपको 930 यूरोस में मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम इस कीमत को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 1,45,000 से 50,000 के दरमियान तक मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन के बारे में तो ये मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन में 2-3 चीज़ें मज़ीद अच्छी हो सकती थी, लेकिन आपको पता है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं वो कोई ना कोई कमी जो है वो ज़रूर छोड़ती हैं ताकि जो नेक्स्ट वर्जन जो है उसमें ऐड कर दें। अब आप यहाँ पर देखें जो S10 प्लस है उसमें 4100 mAh की बैटरी है, लेकिन S10 में 3400 mAh की बैटरी है। ओके फ्रेंड, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे काइंडली लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को, जो बेल वाला आइकन है, इसको प्रेस करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।